हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गेमिंग जोन। तो आज की वीडियो में अपने एंड्रॉइड डिवाइस में GTA 5 डाउनलोड करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। तो ये तीसरी ट्रिक है GTA 5 डाउनलोड करने की, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल के 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही रहा तो हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ओपन करना है क्रोम, और क्रोम में टाइप करना है apk.gta5.com। तो इसे सर्च कर देते हैं। तो सबसे पहले हम apk डाउनलोड कर रहे हैं। स्क्रॉल डाउन, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है डाउनलोड GTA 5 APK। आपको इसमें क्लिक कर देना है, तो आपको यूसी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो ये देखिए आ चुका है APK, 112 MB का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये मैंने पैसे डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा, तो बैग कैंसिल कर दिया है मैंने। तो अब बैग आए थे क्रोम में वापस। तो अब हमें फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो हम फाइल के लिए गूगल पे टाइप करेंगे gta5mobile.pwapk। तो रिसर्च कर देते हैं gta5mobile.pw पे। तो ये देखिए सेकेंड लिंक आएगा, उसको आपको ओपन करना है gta5apk ग्रैंड थीफ ऑटो 5 फॉर एंड्रॉयड फ्री डाउनलोड गूगल। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो ये देखिए आपको कुछ ऐसा पेज खुलेगा, तो इस पूरे पेज को लोड होने देते हैं। तो ये देखिए तभी हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो एंड्रॉयड के स्क्रीनशॉट, आप खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे आ रहा होगा एंड्रॉयड का डाउनलोड करने के लिए, और यहाँ पे ISO के लिए। तो मेरा ISO फ़ोन है, तो मैं ISO का डाउनलोड करूँगा। आपका एंड्रॉयड होगा तो आप हरे वाले में क्लिक करोगे। तो मेरा ISO है तो मैं ब्लू वाले में क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए सिंपली यहाँ पे फाइल आ चुकी है, आप खुद देख सकते हो 300 MB की फाइल है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो अब हमें डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से zarchiver। तो ये zip फाइल है, तो अगर हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 GB हो जाएगी। तो हम प्ले स्टोर से zarchiver डाउनलोड कर लेते हैं। zarchiver तो ये मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए मैं नहीं कर रहा, तो आपको ये डाउनलोड कर लेना है। और जहाँ पे भी आपने उस फाइल को डाउनलोड कराया है उसे ओपन कर लेना है। तो मैंने वो यूसी ब्राउज़र डाउनलोड कर रखी थी, तो मैं यूसी ब्राउज़र ओपन करूँगा। तो मैंने वो पहले से ओपन करके एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपको भी एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कट करनी है फाइल, कट करने के बाद एंड्रॉयड OBV में पेस्ट कर देनी है। तो वो मैंने पेस्ट कर दी है, तो मैं आपको उसका गेम प्ले दिखा देता हूँ गेम का। तो हम GTA 5 को ओपन कर लेता हूँ, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई फेक वीडियो नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। तो आपको मैं गेम प्ले दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारा गेम ओपन हो रहा है, तो इसे होने देते हैं ओपन। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। और अपने दोस्तों को बताएं कि कैसे GTA 5 अपने एंड्रॉइड डिवाइस में डाउनलोड करना है। और आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में उन सवालों का जवाब दे दूँगा। तो ये लोडिंग स्टोरी मोड चल रहा है, तो इसे होने देते हैं, लोड हो रहा है। तो ये देखिए लोड हो रहा है, इसे होने देते हैं। जो मैंने आपको भी फाइल बोली थी डाउनलोड करने के लिए 300 MB की, आपको डाउनलोड कर लेनी है, कट करके एंड्रॉयड OBV में पेस्ट कर देनी है। तो मैंने वो कर दिया, तो इसलिए मेरा गेम चल रहा है। तो वेरीफाई करने को भी नहीं मांगेगा, सीधा आपका गेम चल जाएगा। तो ये देखिए हमारा गेम ओपन हो चुका है, तो ये कोई फेक वीडियो नहीं है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें। तो इस पूरी वीडियो को देखते रहिए, इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।